गुड इवनिंग, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई YouTube चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। अगर बाइक सीखना, स्कूटी सीखना, तो उसका भी वीडियोज़ मैं अपडेट करता रहता हूँ। आज पहला वीडियो मैंने बाइक का अपडेट किया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार को फोर्थ और फिफ्थ गियर में कैसे कंट्रोल करना चाहिए। फिफ्थ गियर में चलती कार को अचानक आप फर्स्ट गियर में कैसे ला सकते हो। अचानक आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है और आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कैसे गाड़ी रोकना है? क्या पहले क्लच दबा के फिर ब्रेक लेना है या ब्रेक दबा के क्लच लेना है? क्या हम अचानक फिफ्थ गियर में कार को रोक सकते हैं या हमको गाड़ी को फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में लाना है? तो वीडियो में बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे करीब 20 से 30 किलोमीटर अराउंड के आसपास जाना है, जो कि मैं पर्सनली ड्राइव करके आप लोगों को बताने के लिए, कि ताकि आप लोग सीख सकें कि थर्ड और फोर्थ गियर में कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ओवरटेक करने के टाइम हमारी कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, और अगर हमको कोई ओवरटेक कर रहा है तो हमें गाड़ी को डाउन करना है या स्पीड बढ़ाना है। अभी जैसे मेरे सामने वैन चल रही है, अब मुझे अगर इसको ओवरटेक करना है, लेफ्ट साइड से मेरे ओवरटेक कर गया बंदा ऑल्टो वाला, और जब भी ओवरटेक करना है तो राइट साइड से करना, लेफ्ट साइड से नहीं करना है। अभी मुझे ओवरटेक करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर स्पीड मुझे बढ़ाना है बट आगे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक्चुअल में होता है क्या है कि हमेशा ओवरटेक राइट साइड से करना चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग साइड नहीं देते हैं तो लोग लेफ्ट से गाड़ी दबा के निकालते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट से भी ओवरटेक करें तो लॉन्ग हॉर्न पुश करना, जैसे कि वैन वाले को मैंने दिया लंबा हॉर्न और सामने वैगनार वाला रेडी है तो उसके लिए मैंने हॉर्न दे दिया, ताकि वो अंदर ना बढ़ जाए। अभी ये देखो सामने ट्रक जा रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या 2-3 बार डिपर दिया है और लॉन्ग हॉर्न पुश किया है, ताकि उसको जगह मिलने पे वो मुझे साइड दे, बट ये दबाएगा नहीं, ये राइट ही अपना दबा के चलेगा, तो मुझे लेफ्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा। बट ओवरटेक करने के टाइम मुझे उसको लगातार हॉर्न देना है, ताकि बंदा जो है वो हमको निकलने दे। अब सामने मेरे 2-3 बंदे जा रहे हैं, अगर अब मैं कोशिश करूँगा तो ये दोनों उड़ जाएंगे, तो इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो गाड़ी टकरा जाएगी। अब मुझे गाड़ी को थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि अब ये मुझे साइड दे रहा है और सामने टेम्पू भी है। अब मुझे फटाफट गाड़ी को निकालना, वरना टकरा सकती है टेम्पू को, टेम्पू में, क्योंकि मैं फोर्थ गियर में था, डायरेक्ट मैंने थर्ड गियर में खींच के गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई, जिससे कि इंजन थोड़ा सा साउंड करेगा बट स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मैं वहाँ पर थर्ड गियर नहीं डालता तो शायद मेरी गाड़ी उस सामने वाले टेम्पू में टकरा सकती थी। तो इसलिए थोड़ा बिफोर, जब भी हम ओवरटेक करेंगे तो स्पीड को अप करके, और जब हम किसी को पास देते हैं तो स्पीड को डाउन करके। अभी सामने देखो दो गाड़ियां जा रही हैं, राइट साइड में मेरे ऑल्टो है, अपोजिट में टेम्पू है, लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर है। अब ओवरटेक करने के लिए मैंने गियर डाल दिया थर्ड, क्योंकि गाड़ी थी मेरी फोर्थ गियर में, जो कि स्पीड बहुत डाउन हो रही थी, गाड़ी दब रही थी। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के टाइम भाई साहब बाइक वाले भी बीच में आ रहे हैं, सामने ट्रैक्टर जा रहा है। अब ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम फटाफट गाड़ी को ओवरटेक करें, क्योंकि सब नौसखिए लोग हैं, गांव के लोग हैं, कब किधर कोई सिग्नल दिए, बिना सिग्नल दिए गाड़ी भिड़ा दे, तो गांव वाले एरिया में थोड़ा आउट एरिया में चलाने में थोड़ा सा टफ रहता है, तो जो थोड़ा सा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कभी भी आप आउटर में निकले तो सारी जिम्मेदारी आपकी। अब मुझे इसको लॉन्ग हॉर्न देना है और इसके लेफ्ट साइड से मुझे ओवरटेक कर लेना है। अभी भाई साहब ने अपना साइड दबा लिया है और उन्होंने साइड दे दी कि आप जाइए। अब मैं हॉर्न बजाते हुए और गाड़ी को पूरा ओवरटेक कर ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करा, क्योंकि वो साइड नहीं दे रहे थे। अभी गाड़ी की स्पीड मेरी 80 हो गई है, बोलेरो वाले ने गाड़ी बढ़ा दी है। हमें दोनों साइड देखना, फास्ट में आपको नज़र चौकन्ने रखना है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बेटा, और बेटा से सीधा मुझे जाना है अभी महमूदाबाद के लिए, जो कि अभी फिफ्थ गियर में गाड़ी मेरी है और मैंने डायरेक्टली इसको डाल दिया थर्ड गियर में फिफ्थ से, क्योंकि मैंने क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड कर दी 20। अब देख रहे 20 हो गई, 80 की स्पीड से मैं एकदम से 20 की स्पीड में आ गया हूँ विद इन 2 सेकंड में। वो कैसे, पहले ब्रेक दबा के मैंने स्पीड डाउन करा और क्लच दबा के डायरेक्ट ही मैंने फिफ्थ गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर डाल दिया। जब आप गियर अप करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जब डाउन करोगे तो डायरेक्ट आप अगर फिफ्थ गियर में चल रहे थे, आपने ब्रेक दबा के स्पीड कम करके गाड़ी में सेकंड गियर डायरेक्ट डाल सकते हो। उसके लिए आपको थर्ड, फोर्थ में आने की ज़रूरत नहीं होती है। बढ़ाने के लिए आपको पैटर्न टू पैटर्न जाना होता है, फर्स्ट 10 to 20, सेकंड 20 to 30, थर्ड 30 to
40, फोर्थ 40 to 60, फिफ्थ 60 अबव। लेकिन जब हम डाउन करते हैं, जैसे कि अभी देखो मैं आपको फिफ्थ गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर करके दिखाऊंगा, ये मेरी गाड़ी में अभी है थर्ड गियर, अब ये हो गया फोर्थ गियर, अभी हम लोग किसान पद को क्रॉस कर रहे हैं, ये फोर्थ गियर में गाड़ी मेरी है, और यहाँ से अभी मैंने स्पीड मेंटेन कर ली, हो गई 60 प्लस 60 के ऊपर, अब फिर ये सिंगल रोड आ गया, यहाँ पे चलाना थोड़ा फिर टफ है क्योंकि अभी तक था डिवाइडर रोड। अभी हम लखनऊ से निकल चुके हैं, बाराबंकी में प्रवेश कर चुके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी लगता है और यहाँ हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो अभी मेरी गाड़ी है फोर्थ गियर में और मुझे करना है इसको ओवरटेक। अब हमेशा मुझे राइट साइड से ओवरटेक करना है, अगर डिवाइडर रोड है तो आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हो उसको, अगर डिवाइडर रोड नहीं है तो आपको राइट साइड से ही ओवरटेक करना पड़ेगा हमेशा, कभी भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है। सामने से ट्रक आ रहा है बिफोर, तो 50 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम 100 मीटर दोनों में से आपको पहले उसको डिपर मारना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि सिंगल रोड पे अगर आपने ओवरटेक कर दिया और सामने से बड़ी गाड़ी आ रही तो भिड़ने के 99% चांसेस रहते हैं। अभी गाड़ी मेरी फोर्थ गियर में और मैंने क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी को डायरेक्ट सेकंड गियर में कर दिया, क्योंकि गाड़ी 20 माइनस आ चुकी है यहाँ पे, तो मुझे थर्ड में आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी, स्पीड के रिकॉर्डिंग आप गियर डाल सकते हो, और आप जब प्लस में जाते हो तो आप सेकंड के वाला, ऐसा नहीं कि सेकंड गियर में चल रहे थे तो डायरेक्ट फोर्थ गियर डाल दो, क्योंकि स्पीड रिकॉर्डिंग के हिसाब से बढ़ाओगे, पैटर्न टू पैटर्न डाउन कर सकते हो आप डायरेक्टली। अगर आप फास्ट जा रहे थे, आपके सामने कोई अचानक आ गया, फिफ्थ गियर में थे, आपने पूरा ब्रेक दबा के क्लच ले लिया और गाड़ी खड़ी हो गई, वापस आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर में डाल दोगे। इस रोड पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है और थोड़ा संभाल के भी चलाना है क्योंकि सिंगल रोड है। अभी ट्रैफिक मेरे सामने काफ़ी सारा है, तो मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में मैंने कर लिया, क्योंकि गाड़ी को रोक रोक कर चलाना होता है, अगली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बना के हमको अपनी कार को रोकना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी का बोनेट अगली गाड़ी में ना टकराए। अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी से और अगली गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस था बहुत से बहुत 6 इंच का था। अभी देख रहे हैं बोनेट और मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा मैंने सटा रखा, बट इतना कभी सटाना नहीं चाहिए, नए बंदे के लिए बता रहा हूँ। जब अगली गाड़ी की नेम प्लेट दिखना बंद हो जाए, जैसे इस बार मैं रोकूंगा, देखो इतना डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, जब अभी गाड़ी रुकेगी बस इससे ज़्यादा नहीं, उसकी नंबर प्लेट आपको दिखनी बंद हो जाए बस गाड़ी रोक लेना, उसके बाद 2 फीट का डिस्टेंस रहता है आपकी गाड़ी में और अगली गाड़ी में। अगर उसकी अगली गाड़ी की नेम प्लेट आपको दिखनी बंद हो जाती है तो गाड़ी रोकने के बाद आपकी और उसकी गाड़ी में 2 फीट का डिस्टेंस रहता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में गैप रहेगा कि अगर कोई पैदल बंदा निकलना चाहे तो आराम से वो निकल सकता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी दोस्तों मैं फाइनली पहुंचने वाला हूं अपने पॉइंट पे, और मुझे लग रहा हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट हुए हैं निकले हुए, 20 मिनट, और ये रास्ता जो है ये लगभग 30 मिनट्स के अराउंड है, और यहाँ पर मिलती है भाई ताज़ी सब्ज़ी एकदम खेतों की हरी हरी, देख रहे हैं गोभी मूली और टिंडे सब चीज़ हरी ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, वापसी में ले लेंगे थोड़ा सा सब्ज़ी, हरी ताज़ी सब्ज़ी घर के लिए। अब लेफ्ट में मेरे देखो बाइक वाला, इसको बचाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, देख रहे कितना सट के गाड़ी मेरी गई है बाइक वाले से, तो इसको बचाने की पूरी 100% मेरी जिम्मेदारी थी, और जो सामने से आ रहा है वो 50% हमें नोटिस कर रहा है। तो अभी दोस्तों स्पेस नहीं मिल रहा है गाड़ी को निकालने के लिए, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो फिर मैं इसको, एक लाइन लगी पड़ी है कंटिन्यू मेरे सामने, और सिंगल रोड पे चलाना थोड़ा दोस्तों टफ होता है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ जाती, दाएं बाएं से गाड़ी आ जाती है, और हमें अलर्ट रहना होता है हमेशा कि सामने वाला कब गलती कर देगा, कब आपकी गाड़ी भिड़ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। अब मुझे ओवरटेक करना तो मैंने लॉन्ग हॉर्न दिया है, सामने से गाड़ियाँ आ रही बट मैं डाल दूंगा, मैंने लेफ्ट दबा दिया गाड़ी, ये सिग्नल देना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो सिग्नल देना कंपलसरी है, अगर आप सिग्नल का यूज़ नहीं करते हो दोस्तों तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मुझे ओवरटेक करना है सामने से, बट ट्रक आ रहा है, और ट्रक के साथ साथ हमको गाड़ी भी अपनी निकालनी है, और कोई गाड़ी खड़ी है शायद उसने ओवरटेक किया है ट्रक वाले ने, और मुझे भी ओवरटेक करना है। जब भी ओवरटेक करते तो हॉर्न बजा के सामने वाले को अलर्ट करके, ट्रैक्टर आ रहा है सामने दोस्तों, अब मुझे ट्रक को फॉलो करना है और ट्रक के आगे क्या क्या आ रहा है वो भी देखना है,
राइट साइड से मुझे थोड़ा दूर तक देखना है क्योंकि एक लाइन से गाड़ियां आ रही, सामने ट्रक आ रहा है, बट मैं इसको ओवरटेक कर लूंगा अभी। सामने ट्रक है, बट लॉन्ग हॉर्न देख के जब भी ओवरटेक करो तो कंटिन्यूस हॉर्न दे दो, ताकि लेफ्ट वाला बंदा जो है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो, वो ऐसा ना हो कि वो गाड़ी आपकी राइट दबा दे तो गाड़ी टकरा जाएगी। जब भी ओवरटेक करो तो पासिंग डिपर एक दो बार, और उसको कंटिन्यूस हॉर्न देना है ताकि वो अपनी गाड़ी सीधी रखे जब तक कि आपकी गाड़ी क्रॉस ना कर जाए। और लेफ्ट में जो भी बाइकें चल रही हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना, उनको बचाने की जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी होती है। अगर आपने लेफ्ट वाले बंदे पे ध्यान नहीं दिया, आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं है, तो आपकी गाड़ी से वो टकरा सकता है। अभी लेफ्ट में मेरे बाइक जा रही है, और बाइक से हमें कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे लेफ्ट और राइट में कितना स्पेस है। उस बंदे ने राइट का सिग्नल ऑलरेडी दे रखा है, बट दिख नहीं रहा था सिग्नल। और दोस्तों अभी धीरे 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 ट्रैफिक निकलता जा रहा है, और मैं बस पहुंचने वाला हूं, और थोड़ा सा मौसम भी सुहाना हो गया है, और आगे बहुत सारी ट्रक है, हाईवे सीधा रोड, खाली रोडों पे चला। देखो स्कॉर्पियो वाले ने क्या गजब का ओवरटेक किया, जरा सा बचा नहीं तो अभी ट्रक वाले में उड़ा देता। थोड़ा सा बचा था स्कॉर्पियो वाला, अगर ट्रक वाला लेफ्ट नहीं दबाता तो शायद ट्रक स्कॉर्पियो वाला इसमें चला जाता ट्रक में। उसने बहुत गलत डायरेक्शन से उसने ओवरटेक किया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा जो है वो लेफ्ट साइड में है और गाड़ी राइट से ओवरटेक होके निकली थी। थोड़ा सा बचा था हल्का सा स्कॉर्पियो वाला, अगर ट्रक वाले ने लेफ्ट नहीं दबाया होता, हल्का सा गाड़ी लेफ्ट दब गई थी। तो दोस्तों अभी मेरे सामने ट्रक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ट्रक से मेरी गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब लगभग 4 से 5 फीट का है, और अभी मुझे गाड़ी को ओवरटेक करना है। तो ये दबाया मैंने, सामने से वैन आ रही, वैन वाले को मैंने अलर्ट कर दिया है। अभी मैंने थर्ड गियर डाल दिया दोस्तों यहाँ पे, और गाड़ी को साइड से ओवरटेक करते हुए। अब इन सब रोडों पे मैं आपको बताऊंगा फिफ्थ गियर और थर्ड गियर, और डायरेक्ट फिफ्थ से थर्ड और फोर्थ में कैसे आना है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे लेफ्ट में ये दूधिया जा रहा है, इन लोगों से आपको बहुत बच के चलना है, इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दबा दें। अब सामने से ट्रक आ रहा है, ब्लाइंड टर्न है, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं अपनी गाड़ी बीच में चलाऊंगा तो 101% एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ये वाइट लाइन जो आपको चमक रही दिख रही, तो ये वाइट लाइन से राइट साइड वाला एरिया जो है वो सामने से आने वाली गाड़ियों का है, और लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो मेरा है, मेरी गाड़ी का। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो मैंने लॉन्ग हॉर्न दिया, और ट्रैक्टर वाले को भी, सामने से देखो बाइक भी आ रही है। ये एक्सीडेंट फुल होते हैं ऐसे, अचानक बाइक निकल आई, सामने से ट्रैक्टर जा रहा है, उधर से ऑटो आ रहा है। अगर स्पीड मेरी गाड़ी की ज़्यादा होती तो वो बाइक वाला टकरा सकता था, वो इसीलिए कभी भी ओवर स्पीड नहीं करनी। अगर ओवर स्पीड आप करते हो तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज़रूर होंगे। आप उतनी स्पीड में गाड़ी चलाओ जितनी आप संभाल सको, अगर आप 20, 30, 40 में संभाल सकते हो तो बस उतनी रखो, अगर उससे ज़्यादा में संभाल सकते हो तो उससे ज़्यादा रखो। अगर हल्का फुल्का आप नॉर्मली चलाना चाह रहे हो तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि हाईवे पे कैसे काम, स्पीड ब्रेकर आ गया था अचानक। अब लोग क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड ही नहीं कम कर पाते, गाड़ी पूरी कूद जाती है स्पीड ब्रेकर पे, जिससे आपके शॉकर, आपके सस्पेंशन, कैंची, बैलेंसिंग रॉड, कुछ ये सब चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको, ये देखो स्पीड ब्रेकर आया, ब्रेक दबा के स्पीड कम कर ली मैंने, गाड़ी थर्ड गियर में ही है, गियर नहीं डाउन किया, बट ब्रेक दबा के स्पीड कम कर ली, गाड़ी 40 से ऊपर थी जो कि स्पीड कम हो गई, वापस स्पीड मेंटेन कर लिया मैंने। अब इसलिए हॉर्न कंटिन्यू देना पड़ रहा है क्योंकि भाई साहब ऐसे मस्ती में चल रहे हैं ना, गलती चाहे जिसकी हो दोस्तों हमेशा फंसता बड़ी गाड़ी वाला। अब सामने ब्लाइंड टर्न, एकदम ब्लाइंड टर्न है, और मुझे ओवरटेक भी करना है, टेम्पो वाले को अलर्ट भी करना है, तो इसलिए लगातार मैं हॉर्न दे रहा हूँ कि सामने से जो गाड़ी आ रही हो थोड़ा दाएं बाएं हो जाए लोग। ये तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज मैंने आपको कार को ओवरटेक करना, ट्रकों के बगल से कैसे कार को निकालना, कैसे हॉर्न देना, कितना पहले सिग्नल देना है, सिंगल रोड पे कार को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।